अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिल कॉलोनी मेहदीपट्टनम डिवीजन, जैसा आप जानते हैं लॉकडाउन को आज 62 डेज हुए। 62 डेज से फिरोज खान और फिरोज खान की पूरी टीम आपके खिदमत में हाजिर है। जहाँ भी हमारे को महसूस हो रहा वहाँ पर हम आ जा रहे हैं और हमारे से जो भी ताउन हो सकता, राशन रहो, तरकारी रहो, दवा हो, गोलियाँ हो, हमारा ताउन चल रहा। और जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि सिर्फ हम हमारी फर्ज की तकमील कर रहे हैं। आज कोरोना वायरस जो इंसान का दुश्मन बन चुका है और रमजान का मुकद्दस महीना है, सेंटर गवर्नमेंट रहने दो या स्टेट गवर्नमेंट रहने दो, कोई भी आवाम की मदद नहीं कर रही, खाली हेडलाइंस ले रही, प्रेस में बकवा कर रही, मीडिया की सुर्खी बन रही। नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, किससे किसकी को मदद हुई? आप 20 लाख करोड़ बोले नरेंद्र मोदी जी, ये 20 लाख करोड़ से किसको पैसे मिले? आपको भी अंदाजा हो गया कि ये जो स्कीम है ये एक फ्लॉप स्कीम है, एक फेक स्कीम है, एक बोकस स्कीम है और इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकली जगलरी। जगलरी का मतलब नंबरा इधर उधर करना। और कांग्रेस पार्टी जब से नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ बोले, हमारी एक ही आवाज है सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार जी से, हम लोग की एक ही आवाज है कि आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करिए, गरीब कमजोर के अकाउंट में डालिए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परेशान है, जो भी इनकम टैक्स पे करता उसको बाजू को रख के सबके अकाउंटों में डालिए। बहरहाल आप फेल हो गए, सोनिया गांधी जी एक आवाज दिए तो ट्रेन और बस लग गए और वो ट्रेन और बस लगा के माइग्रेंट वर्कर से पैसा लिया जा रहा। फिर हमारी प्रियंका गांधी 1000 बस लगाई और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे हमारे 1000 बस रोक दिए। जब हमारे प्रियंका जी का दिल देखिए आप, एक ही चालान करे प्रियंका जी कि आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता बोल के आप गरीबों के बस रोक रहे, आप बीजेपी की फोटो लगा लेंगे, आप आपके प्रधानमंत्री की फोटो लगा लेंगे, पर हमारे 1000 बसा हमारे गरीब कमजोर मजदूर भाइयों के लिए यूज करिए। और जब वहां का एक चिंदी चोर चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ, वो बसों को अलाउ करा, फिर उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी जब ये गरीब माइग्रेंट लेबर्स उनके गांव को जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी अपने स्कीम में बोलते हैं कि गांव में उनको मनरेगा बोल के एक स्कीम है, वो स्कीम में गरीबों को काम मिलता। तो राहुल गांधी बोले ये गरीब मजदूर गांव को जा रहे हैं और गांव के जो गरीबा हैं उनका हक मारे जाता, आप उसके अंदर पैसे बढ़ाइए, बजट बढ़ाइए। तो राहुल गांधी के दबाव में 40,000 करोड़ बीजेपी की गवर्नमेंट बढ़ाई। उसके बाद में हाईकोर्ट, स्टेट हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच डायरेक्शंस दी कि गरीब मजदूरों को ट्रेना और बसा इंतजाम करो और वापिस उनके गांव को छोड़ो। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब के कारनामे, फिर से एक टाइम हिंदुस्तान को आप बेवकूफ बनाए। और रही बात स्टेट को, आ जाओ
स्टेट में हम पहले दिन से बोल रहे हैं कंटेनमेंट एरिया जो है वहां पे आप टेस्टिंग कराइए। आप कंटेनमेंट एरिया के अंदर अगर से टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो आगे जाके कोरोना वायरस बढ़ जाएगा, क्योंकि आज तक तेलंगाना में 24,000 टेस्ट हुए। खाली 24,000 टेस्ट आप बाजू मद्रास ले लीजिए, 4,00,000 टेस्ट हुए। महाराष्ट्र ले लीजिए, 5,00,000 टेस्ट हुए। दिल्ली लेंगे, 3,00,000 टेस्ट हुए। और यहाँ पे आप प्राइवेट दवाखानों को परमिशन नहीं दे रहे टेस्टिंग करने का। हम पहले दिन बोल दिए थे कांग्रेस पार्टी ICMR का अप्रूवल जिसके पास भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनको आप परमिशन देंगे। फिर हाईकोर्ट कल दी, चीफ जस्टिस साहब की बेंच, राघवेंद्र सिंह साहब और जस्टिस विजय सेन की बेंच प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी परमिशन दियो बोल के गवर्नमेंट को बोली। और जब KCR साहब चीफ सेक्रेटरी को बुला के बोलते चलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही टेस्ट करवाइए, मोबाइल वैन रखो बोले आपको, जिसमें आप सैंपल कलेक्ट कर सकते, आप नहीं कर रहे। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये गवर्नमेंट को बोलना चाह रहा हूं, अब सीजनल डिजीज आने वाले हैं, जून का महीना कभी भी पूरे। और जो अभी नामपल्ली से अगली बार तो जरूर MLA बन जाएंगे, सारे फ्रेंड्स को और मेरे कांग्रेस कोलीग्स को और सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया द्वारा आपके पूरी तेलंगाना के मेरे मुसलमान भाई बहन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अल्लाह की दुआ मांगते हैं कि तेलंगाना में हर मज़हब के लोग, कैस्ट, रिलीजन, क्रीड, एरिया, सब लोग एक साथ मिलकर रहे और एक अच्छी कम्युनल हारमोनी में मिलकर रहे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, हम हर विषय में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। और इस देश में एक भयानक वातावरण जो अभी दिल्ली में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जिसमें खुलेआम माइनॉरिटीज़ की प्रोसिक्यूशन हो रही है, बहुत दुख की बात है। मैं आप लोग माइनॉरिटीज़ की तरफ से पार्लियामेंट में भी बात कर चुका हूँ, ये बार आपको याद दिलाता हूँ। अब कोई भी चीज़ हो माइनॉरिटीज़ के इशू में, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से लेकर हम तक, हम हमेशा माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी और माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के बारे में कंसर्न है, हमेशा रहेंगे। और हमारी पार्टी में माइनॉरिटीज़ की हमेशा अच्छा स्थान रहेगी। और इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र रमजान मास में पूरी मुसलमान कम्युनिटी को हम ईद मुबारक बताना चाहते हैं। अब रही बात कोरोना की और यहाँ के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का, फिरोज खान साहब और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया, 62 डेज एक दिन भी नहीं छोड़े, हर रोज़ एक मोहल्ले में, एक डिवीज़न में राशन सप्लाई करना, कुछ न कुछ बेहतर काम किए। ना हृदयपूर्वक अभिनंदन और शुभाकांक्षा, माई हार्टिएस्ट बेस्ट विशेज टू फिरोज खान एंड हिज टीम, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आई ऑल्सो फरीन ऑफ रेडिल्स डिवीज़न, मसूद अहमद ऑफ अहमदनगर डिवीज़न, महेश ऑफ मेदीपट्टनम डिवीज़न, उस्मान खान नामपल्ली हैदराबाद, उन्होंने लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च करके लोगों को सेवा किया है। हम इनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रगुजार है एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। ऑल्सो माई बेस्ट विशेज टू फिरोज खान्स वाइफ लैला खान, वो इज ऑल्सो फॉर 20-25 डेज बहुत बहुत मेहनत कर चुके हैं। और आज यहाँ ये रमज़ान की तोहफा है ना, रमज़ान की तोहफा,
जो ये राशन सप्लाई में ये प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है, मैं धन्यवाद कहता हूँ। और बहुत बढ़िया सैनिटाइजेशन कर रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं बट हर बार इलेक्शंस में नैरो मेजॉरिटी में जा रहे हैं, तो इस बार नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी डिविजन्स कांग्रेस पार्टी जीतेंगी, ये हमारी बिलीफ है। और ज़रूर फरोज खान अगली बार नामपल्ली से MLA बने। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोगों को भी दूंगा। अगली बार तो जरूर MLA बन जाएंगे। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया द्वारा आपके थ्रू पूरी तेलंगाना के मेरे मुसलमान भाई बहन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अल्लाह की दुआ मांगते हैं कि तेलंगाना में हर मजहब के लोग कैस्ट हमें भाई हमें जल्दी करें हमें खान हमें जाना तुम्हारे भाई हैं, हम लोग भाई बहन यहाँ ठहरे हुए तुम्हारे वास्ते। अगली बार तो जरूर MLA बन जाएंगे। इंशाल्लाह।
फ्रेंड्स को और मेरे कांग्रेस कोलीग्स को और सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया द्वारा आपके थ्रू पूरी तेलंगाना के मेरे मुसलमान भाई बहन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अल्लाह की दुआ मांगते हैं कि तेलंगाना में हर मजहब के लोग कैस्ट राइट। आज हम हिल कॉलोनी पे है, मैदीपट्टनम डिवीजन। 20 दिन से हम सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक गली हर एक बस्ती, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर, वक्त का तकाजा है। आज कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा एक्टिव हैदराबाद में है और हमारे नामपल्ली में 96-97 प्लस पेशेंट्स है। तो हम हमारी जिम्मेदारी समझे, जो काम गवर्नमेंट करना, जो काम यहाँ के खायद करना, वो काम हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हैदराबाद और नामपल्ली की हिफाजत करना हमारी आवाम की फिक्र है, हमारे को हमारे बुजुर्गों की फिक्र है, हमारे मासूम बच्चों की फिक्र है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं आगाह करता हूं कि आने वाला महीना जून ये बीमारियों का महीना बोलते, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, अब ये बीमारी का महीना आ रहा, आप फॉग मशीन्स यूज करिए, आप एंटी मस्किटो स्प्रेज यूज करिए, डिसइंफेक्टर्स यूज करिए। अगर से आप ये बीमारियों को नहीं रोकेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टेटमेंट है कि आने वाले महीने के बाद कोरोना वायरस के केसा डबल हो जाएंगे। और तेलंगाना की हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप टेस्ट करिए, आप जो भी कंटेनमेंट एरिया है उनको आप टेस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अब तक 24,000 टेस्ट करें, आप टेस्ट करिए, कोरोना वायरस निकलता देखिए। आप कंटेनमेंट एरिया खोल देंगे 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, तो ये कोरोना वायरस हैदराबाद और तेलंगाना में आ जाएगा साहब। आज जो हाल महाराष्ट्र का है और दिल्ली का है, अल्लाह ना करे हैदराबाद का हो, तो मैं CM साहब से, KT रामाराव से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग बातें बड़े बड़े करते, मगर आप लोग काम नहीं। आप लोग मोहल्ला दवाखाना खोल रहे बोल के प्रचार कर रहे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड, मगर आप कचरा साफ नहीं कर रहे, आप बस्तियों को साफ नहीं रख रहे। चलिए आप लोगों को खाना तो नहीं खिला रहे, आप छत नहीं दे रहे, कम से कम आप बीमारियों से बचाइए उनको। जय हिंद, शुक्रिया। सफेरोज भाई, काफी लीडर, जो बड़े बड़े लीडर, आप एक बेहतरीन बात बोले। सिर्फ एक फिकर मेरी नामपल्ली की, क्योंकि नामपल्ली फिरोज खान की जान है, और अगर से जान बचाते बचाते मेरी जान चली जाएंगी तो उससे नसीब वाली मौत मेरे को नहीं आने वाली है मेरे भाई। कोई सियासत में आते जीतने के लिए, मैं आया इतिहास लिखने के लिए। तो आज कोरोना वायरस अगर से किसके भी घर में आता तो मेरे को ऐसा दिखता कि ये मेरे घर में आया। पहले से मेरी आवाम परेशान है, मेरी आवाम बेबस है, मेरी आवाम भूखी है, उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, 250 नौकरियां चले गए। उसके बाद में ये बीमारी का बोझ वो नहीं उठा सकती, तो उसके लिए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि इसमें हमारी जान भी जाएंगी, कोई बात नहीं, पैदा हो सो दिन मौत मुकर्रर हो जाती, अगर से इस तरह से पब्लिक के सर्विस में मेरी जान जाती तो मैं अपने आप को नसीब वाला मानूंगा। शुक्रिया।
अरे भाई को टेस्टिंग करता हूँ भाई, इधर खड़ी बाप भाई भाई बुला रहा है भाई, इस्तेमाल करो तुम देख रहे हो, अरे भाई भाई यार टेस्टिंग करता है भाई, एक मिनट रुको तुम्हारा नहीं ले रहे बात, क्या करो वहाँ बोलो, हमारा कुछ नहीं बोले भाई जबरदस्त मेरा 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 भाई 36.6 मिनट पर जुनेद भाई का चक्कर।